तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बीइंग यूनिक टीवी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनमेश, सब सभी को स्वागत करता हूं। फिर से अच्छा है नए वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्राइव जी सेल्फ ड्राइव कार एंड रेंटल बाइक्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ड्राइव जी यूज़ करते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ करने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ड्राइव जी रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे आप बुक कर पाएंगे, कहाँ से आपको मिलेगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप बीइंग यूनिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके हमारे हर आने वाला वीडियो का। तो देर नहीं करते दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनमेश, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक टीवी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ड्राइव जी सेल्फ ड्राइव कार एंड बाइक रेंटल से एप्लीकेशन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आप ड्राइव जी को यूज़ करना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे आप यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये है दोस्तों ड्राइव जी एप्लीकेशन का होम स्क्रीन। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स में क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएगा ड्राइव जी एप्लीकेशन में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये ड्राइव जी एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन से सिटीज़ में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर एक बटन मिल जाएगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस तरह से शो करेगा। आप देख सकते हैं मुंबई, बेंगलुर, पुणे, मैसूर, मैंगलुरु, हैदराबाद, मणिपाल, इस तरह से दोस्तों ये सारे सिटीज़ में फ़िलहाल ड्राइव जी अवेलेबल है। और दोस्तों, ये अगर आपके लोकेशन में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है बहुत जल्द आपके लोकेशन में भी अवेलेबल हो जाए। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ड्राइव जी यूज़ करके आप किस तरीके से राइड कर सकते हो। दोस्तों, ड्राइव जी के पास फिलहाल रेंट ए कार एंड रेंट ए बाइक का दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, ड्राइव जी एप्लीकेशन में आप कार भी रेंटल में ले सकते हैं एंड बाइक भी रेंटल में ले सकते हैं। ड्राइव जी दोस्तों, बाउंस, बोगो, ये सारे एप्लीकेशन जो भी कंपनी है रेंटल बाइक प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, वो सारे कंपनियों से ये अलग है दोस्तों। तो दोस्तों, बाउंस एंड ड्राइव जी में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, बाउंस क्या होता है, बाउंस कीलेस स्कूटर आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं और आपके डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ड्राइव जी में ऐसा नहीं होता है, ड्राइव जी का एक पर्टिकुलर पिकअप पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको कार चाहिए या बाइक चाहिए, आपको पर्टिकुलर वही पिकअप पॉइंट में जाना है एंड वहीं से आप बाइक एंड कार ले सकते हैं। और दोस्तों, आपका राइड खत्म होने के बाद आप कहीं पे भी बाइक को या कार को नहीं रख सकते हैं, आपको वही पिकअप पॉइंट पे आना है जहां से आप बाइक या कार लिए होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पेमेंट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, पेमेंट का भी चार्जेस अलग अलग होता है दोस्तों। बाउंस का आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, ड्राइव जी का भी दोस्तों चार्जेस अलग होता है। चलिए दोस्तों, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में हम ड्राइव जी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बाउंस या भोगो के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, मैं पहले से दो वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ड्राइव जी कार या बाइक आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं बाइक के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद कार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको ड्राइव जी एप्लीकेशन में आना है होम स्क्रीन पर। उसके बाद दोस्तों, आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रेंट ए कार एंड रेंट ए बाइक का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर दोस्तों आपको बाइक चाहिए तो बाइक का ऑप्शन क्लिक करें, अगर आपको कार चाहिए रेंटल में तो दोस्तों आप कार का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाइक के बारे में बात करता हूँ, बाइक को आपको दिखाता हूँ क्या है चार्जेस एंड कैसे आप बुक कर सकते हैं। बाइक का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस तरह से शो करेगा आपके लोकेशन के हिसाब से। दोस्तों, ध्यान रहे आपके फ़ोन में जीपीएस ऑन होना जरूरी है अगर आप ड्राइव जी यूज़ करना चाहते हैं तो। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपके नियरेस्ट लोकेशन के हिसाब से दोस्तों सारे पिकअप पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारे लोकेशन जो भी है, आप एक लोकेशन चूज़ करके जा सकते हैं, वो लोकेशन में आपको बाइक देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक लोकेशन चूज़ करके आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे आप कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, मैं एक लोकेशन पिक कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं लोकेशन चूज़ कर लिया। उसके बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रॉम एंड टू का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको रेंटल किस डेट से किस डेट तक चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों आपको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए बाइक मिल जाएगा, आपके हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रॉम भी मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड टू डेट भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। और एक बात दोस्तों ध्यान रहे, टू जो भी टाइम आप सिलेक्ट करेंगे टू में, दोस्तों ध्यान रखे वो ड्रॉप टाइम होता है, आपको उसी टाइम से पहले वो पिकअप पॉइंट में बाइक को रखना है या कार को रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म पिकअप टाइम का एक बटन मिल जाएगा, आपको कंफर्म पिकअप टाइम क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से शो करेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी डेट मैंने सिलेक्ट किया इसके हिसाब से जो भी बाइक्स अवेलेबल है, जो भी स्कूटर्स अवेलेबल है वो सारे मेरे स्क्रीन पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे बाइक्स एंड स्कूटर्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको किस कैटेगरी में देखने को मिलेगा वो बता देता हूँ। आप देख सकते हैं होंडा एक्टिवा है, टीवीएस जुपिटर है, इस तरह से दोस्तों बहुत सारे बाइक्स एंड स्कूटर्स आपको देखने को मिल जाएगा। बुलेट भी दोस्तों अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आरी बुलेट 500। दोस्तों जो भी आप पिक करेंगे इसमें से उसके हिसाब से अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं होंडा एक्टिवा के लिए 190 शो कर रहा है, टीवीएस जुपिटर के लिए भी 190 शो कर रहा है। अगर आप नीचे आएंगे आप देख सकते हैं आरी बुलेट जो बताया मैंने उसका प्राइस शो करा है 622 रुपीज़। ये प्राइस दोस्तों ऊपर नीचे होगा, आप जो भी डेट सिलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से आपका फ्रॉम डेट एंड टू डेट के हिसाब से ये प्राइस रेंज आपको शो करेगा। अगर दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म बुकिंग करना है, जैसे कि 7 डे हो गया, 1 मंथ हो गया, इस तरह से दोस्तों अगर आप बुक करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बुकिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ये बटन सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस तरह से शो करेगा एंड उसी हिसाब से दोस्तों आपको प्राइस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं फिल्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से शो करेगा। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बुकिंग ड्यूरेशन के नीचे, रेगुलर 7 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज। दोस्तों अगर आपको 1 डे या 2 डे के लिए चाहिए तो आप रेगुलर ऑप्शन पर जा सकते हैं, अगर आपको 7 डेज के लिए चाहिए या उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप 7 डेज सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपको 15 डेज के लिए चाहिए तो 15 डेज सिलेक्ट कीजिए, अगर दोस्तों आपको 30 डेज चाहिए तो आप 30 डेज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको 30 डेज का ऑप्शन भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके पेज इस तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, आप देख सकते हैं जो भी बाइक्स या स्कूटर्स अवेलेबल है वो आपके स्क्रीन पर शो करेगा उसके प्राइस के साथ। अगर दोस्तों जो भी ऑफर्स अवेलेबल है आप देख सकते हैं टैप फॉर ऑफर्स, इस तरह से ऑप्शन भी मिल जा रहा है, अगर आप टैप फॉर ऑफर्स क्लिक करेंगे इस तरह से दोस्तों आपको शो करेगा जो भी ऑफर्स अवेलेबल होगा उस बाइक के लिए। उसके बाद दोस्तों जो भी बाइक या स्कूटर आपको चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं होंडा एक्टिवा सिलेक्ट करके 30 डेज के लिए आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप शो करेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे एक खास इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों फिलहाल जो बाइक मैंने सिलेक्ट किया वो बाइक मेरे लोकेशन में, जो भी पिकअप पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया था वो लोकेशन में अवेलेबल नहीं था, इस वजह से दोस्तों ये पॉपअप मैसेज में मुझे शो कर रहा है कि जो लोकेशन से मैं पिक करने वाला था वो बाइक को फिलहाल ये शो कर रहा है कि वो बाइक फिलहाल वो लोकेशन में अवेलेबल नहीं है, एक दूसरा पिकअप पॉइंट में है, आप जाके ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो कंटिन्यू पर क्लिक करें वरना कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्लान डेट्स, संडे में 12:07:30 से मैं बुक कर रहा हूं June 11:07:30 PM तक, और प्राइस भी दोस्तों आप देख सकते हैं 3,997 रुपीज़ शो कर रहा है। नीचे दोस्तों आपको पिकअप एंड ड्रॉप वेन्यूज देखने को मिल जाएगा, याद रहे दोस्तों पिकअप एंड ड्रॉप वेन्यू एक ही रहेगा लोकेशन, ध्यान रहे दोस्तों पिकअप पॉइंट जो भी लोकेशन से आप बाइक को ले रहे हैं उसी लोकेशन में दोस्तों आपको बाइक को रिटर्न भी करना है, किसी भी दूसरे लोकेशन में आप बाइक को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों पिकअप एंड ड्रॉप वेन्यूज एक ही रहेगा। अगर दोस्तों आप नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको पैकेज पे एक नज़र आएगा, पैकेज में दोस्तों आपको डिस्टेंस इंक्लूडेड मिलेगा, आप देख सकते हैं फिलहाल मैं जो बुक किया इसमें दोस्तों मुझे मिल रहा है 1599 किलोमीटर। तो दोस्तों इस किलोमीटर लिमिट से अगर आप ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं दोस्तों आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज आ सकते हैं, आप नीचे भी देख सकते हैं डिस्टेंस चार्जेस 2 रुपीज़ पर एडिशनल किलोमीटर ट्रैवल, इस तरह से आपको एक मैसेज भी शो करेगा। यानी कि दोस्तों जो डिस्टेंस इंक्लूडेड मेरा है 1599 किलोमीटर, उससे अगर मैं ज़्यादा ट्रैवल कर लेता हूँ तो 2 रुपीज़ पर एडिशनल किलोमीटर मुझे चार्ज किया जाएगा एक्स्ट्रा।
उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट ऐड ऑन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, पिलन राइडर हेलमेट अगर आपको चाहिए तो 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप यहां से चेकबॉक्स क्लिक करके इसे भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दो ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा, ऐड टू प्लान या क्विक बुक। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐड टू प्लान दोस्तों अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐड टू प्लान होकर रह जाएगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन में कार्ट होता है दोस्तों इस तरह से। इसका ऐड टू प्लान मतलब आपका कार्ट में वो सेव हो गया, आप कहीं किसी भी टाइम ये बुक कर सकते हैं। क्विक बुक का ऑप्शन होता है दोस्तों, अगर आप क्विक बुक क्लिक करेंगे तो तुरंत ये बुक हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं क्विक बुक क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस तरह से पॉपअप शो करेगा। याद रहे दोस्तों आपका जो एज है वो 18 ईयर से ज़्यादा होना जरूरी है अगर आप ड्राइव जीप बुक करते हैं तो, ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया है दोस्तों, ध्यान रहे। और एक बात दोस्तों, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है, तो एग्री पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस तरह से शो करेगा आपका फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपका डिटेल्स के लिए। और एक दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल जाएगा अपलोड फ्रंट इमेज एंड अपलोड बैक इमेज, ये दोस्तों लाइसेंस आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपलोड फ्रंट इमेज पर क्लिक करके कैमरा ओपन करके या आपके गैलरी से पिक करके आपको यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट इमेज डालना है। उसके बाद दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस का बैक इमेज भी आपको इस तरह से यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना है, आपका बाइक जो है वो बुक सक्सेसफुली हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप टू व्हीलर रेंटल में ले रहे हैं तो आपके पास टू व्हीलर का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप कार रेंटल में लेना चाहते हैं तो आपके पास फोर व्हीलर का लाइसेंस होना जरूरी है, जो आपको यहां पे सबमिट करना है। और जो लाइसेंस प्लेट आप अपलोड करेंगे दोस्तों, उसका जो डेट ऑफ बर्थ और नंबर, लाइसेंस नंबर होता है, वो सारे क्लियरली विजिबल होना जरूरी है। अगर वो कैमरे में आपका कुछ भी खराबी है, पिक्चर क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप बाइक को बुक कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप बाइक चूज करके रेंटल में ले सकते हैं ड्राइव जी पिकअप पॉइंट से। कुछ इस तरह से दोस्तों आप कार भी रेंटल में ले सकते हैं, कार सिलेक्ट करना है इस तरह से दोस्तों, आपको पिकअप पॉइंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों फ्रॉम एंड टू डेट सिलेक्ट करना है, जैसे आप बाइक पे किए थे। उसके बाद दोस्तों कंफर्म ड्रॉप टाइम सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर जिस तरह से बाइक शो कर रहा था, अभी वो कार शो करेगा। यहाँ पे दोस्तों फिल्टर पर क्लिक करके आप आपके हिसाब से कार चूज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे वेराइटी का कार। आप कार टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल कार चाहिए या ऑटोमेटिक कार चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप फिल्टर करके आपके हिसाब से कार चूज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगा, थोड़ी सी ड्राइव जी के ऊपर नॉलेज आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है दोबारा से वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा। अगर आप बिंग यूनिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में देखे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन पा सके हमारे हर आने वाला वीडियो का। तब तक के लिए दोस्तों मैं अनवेश रहता हूँ, फिर मिलूंगा बहुत जल्द और एक अच्छे वीडियो लेकर। आप देखते रहिए हमारे चैनल बिंग यूनिटी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।